आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर, और स्पाइस मनी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। विमेंस डे के दिन आपकी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन इंटरनेशनल विमेंस डे पर आप हमारे साथ इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आए, तो उसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले आप मुझे बहुत ही माफी चाहूंगी, मगर बहुत ही यंग लग रही हैं आप। मुझे अपना नाम, एज और साथ में आप किस लोकेशन से हैं ये बताएं। मेरा नाम निकिता व्यास है, मैं जी कानपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ और मेरी एज है 20। बहुत ही अच्छी बात है निकिता, आप 20 साल की उम्र में ही स्पाइस मैनी की नारी अधिकारी बन चुकी हैं, और आज जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मेरे ख्याल से आप साथ साथ ही काम भी कर रही हैं ताकि आप ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकें। हाँ जी, बहुत अच्छी स्माइल है निकिता आपकी। निकिता मुझे एक चीज बताएं, आप कैसे जुड़े स्पाइस मैनी के साथ और कितना टाइम हो गया जुड़े हुए? मेरे को 2-4 मंथ हो गए। हाँ, 2-4 मंथ हो गए हैं, 2-4 महीने। ठीक है, और कैसे जुड़े आप निकिता? मैं ऐसे स्टडी करती थी पहले, और मैंने सोचा कि मैं मेरे फैमिली की हेल्प करूँ, तो फिर वहां काम करना स्टार्ट कर दिया और पढ़ाई भी चल रही है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो साथ में पढ़ाई चल रही है, साथ में परिवार का की मदद भी कर रही हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, काम भी कर रही हैं, है ना? तो मुझे एक चीज बताएं कि आप ये 4-5 महीने पहले आप कैसे जुड़ पाए स्पाइस मनी को? आपको कैसे पता चला कि ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म है, और आपको किसने जोड़ा? मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वहां जॉब लग गई, तो उसने मुझे स्पाइस मनी के बारे में बताया। फिर वहां क्या अच्छा, सब तो मुझे थोड़ा सा आप अपनी शॉप दिखा देंगी अगर कैमरे से ऐसे करके कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही थी लोग खड़े हैं, आपने शायद पीछे बहुत से सर्टिफिकेट्स भी लगा रखे हैं, काफी कुछ आपने पोस्ट पेस्ट भी करा हुआ है, सॉरी, और दुकान पे लगा रखा है आपने काफी कुछ। अच्छा, लोग खड़े भी हैं, माता जी भी खड़ी हैं एक, तो अरे वाह, तो काफी कुछ आपका यहाँ पर है, बहुत ही अच्छी बात है निकिता। एक मुझे ये प्लीज बताएं निकिता कि आसपास के लोग आपको क्या प्रतिक्रिया से पहचानते हैं, कैसे नाम देते हैं, निकिता, निकिता अधिकारी, निकिता स्पाइस मैन अधिकारी, या क्या नाम से पहचानते हैं, और आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है अब तो। फिर भी सम्मान देते हैं, पहले नहीं देते थे। काम करते तो ऐसा सम्मान से बात करते हैं। मान से बात करते हैं। और कौन सी सर्विस सबसे ज्यादा यूज करती है स्पाइस मनी की? वो AEPS वाली। एपीएस वाले, तो कैश विड्रॉल में आप मदद करते हैं, नकद निकासी में। हाँ हाँ, जी, करीबन कितने ग्राहक एक दिन में आ जाते हैं? आ जाते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। अच्छा ठीक है। कितना आप ऑन एन एवरेज अपने घर को यहाँ से कमा कर दे पाती हैं महीने का? 5-6। अच्छा ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब कुछ खास चुनौतियां जो आपको आई हो जब जैसे आप जुड़े, तो उसके बाद कुछ ऐसी परेशानियां जो आपको लगा कि आसपास के लोग या आपके घर वाले या जो भी आपको लगा हो कि समझने में परेशानी थी, प्लेटफॉर्म को समझने में मुश्किल था, या जो भी आपको लगा हो हल्के हल्के आपने कैसे उनको कम किया वो बताएंगी? धीरे धीरे सब हो गया मैम, धीरे धीरे सब हो गया। हार नहीं मानी कि मैं नहीं कर सकती। जी, परिवार में कौन कौन है निकिता? परिवार में हम 3 भाई है और हम 2 सिस्टर और मम्मी पापा। पापा बाहर रहते हैं। पापा काम से बाहर रहते हैं और भाई लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, भाई लोग पढ़ रहे हैं, और उनको वही आपके साथ पढ़ा। में पढ़ाई कर रही हैं, क्या फील्ड ले रखी है आपने 12वीं के बाद, क्या कर रहे हैं? बीए चल रही है। बीए अच्छा, आपकी बीए चल रही है, बहुत ही बढ़िया है निकिता। चल रही कुछ कुछ खास मुझे कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं है। मैं जब? स्टडी पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। देश की महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए, और आप खासकर आप तो यंग जनरेशन से हैं, बिल्कुल 20 साल की, मात्र 20 साल की हैं आप, तो कैसे आप लोगों को एक संदेश देना चाहेंगी, लेडीज को, वुमेन्स को, और या महिलाओं को देश की? मैं महिलाओं को बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि वो आगे बढ़े और कुछ ना कुछ करे। किसी के दबाव में आकर इतना वो ना करे, आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो महिलाएं। ये है हमारी निकिता की कामयाबी और बदलाव की कहानी, खास सिर्फ 20 साल की उम्र में आज वो स्पाइस मनी एक नारी अधिकारी हैं, और अपने घर का
पालन पोषण कर रही हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं। तो ये खास बात इस प्लेटफॉर्म की कि साथ में जॉब करते करते और पढ़ाई करते सॉरी साथ में पढ़ाई करते करते वह इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना व्यापार भी चला रही हैं और अपने घर के लिए आमदनी भी लेकर आ रही हैं। तो निकिता एक आजाद, सशक्त और खुशहाल लेडी है और स्पाइस मनी के प्लेटफॉर्म इन सभी नारियों को सलाम करता है। निकिता, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ कनेक्ट हुए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अभी तो आपकी कोई भी उम्र नहीं है, और ज्यादा सर्विसेज आप इस्तेमाल करें, ऐसे ही इंडिपेंडेंट बने और जो आपकी मुस्कान है वो उसी तरीके से बनी रहे। थैंक यू सो मच निकिता। थैंक यू।